हेलो एवरीवन हाउ आर यू यार कैसे हो आप लोग सो आई होप यू आर इन योर बेस्ट मेंटल फेज ऑफ प्रिपरेशन राइट नाउ बिकॉज इट्स फोर एंड हाफ मंथ्स टू कैट एंड इन दिस फोर एंड हाफ मंथ्स यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है टफ होता है मॉक्स देना होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं रिविजन करना होता है ओके सो अमिट्स ऑल दिस डोंट लूज योर स्पार्क ठीक है बी फ्रेश एंड एकदम अच्छे मूड से हैप्पी मूड से प्रिपेयर करो बिकॉज कोई भी वॉर इंसान ने आज तक कभी भी पैनिक होकर नहीं लेता है ओके सो यू हैव टू विन दिस वॉर बाय बी स्ट्रैटेजिकली गुड एंड प्लान वेल ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से थैंक यू फॉर दैट वन फिफ्टी के सब्सक्राइबर्स इट्स अ ग्रेट माइल स्टोन फॉर मी फॉर ऑल ऑफ यू गाइज जिन्होंने चैनल को फॉलो किया है ओके एंड ट्रस्टेड मी एंड आई एम पुटिंग लॉड ऑफ एफर्ट स्टिल टू मेक लॉड ऑफ गुड कंटेंट फॉर यू गाइज अभी अभी इन कमिंग मंथस काफ़ी प्लानिंग है मेरे पास काफ़ी इन कमिंग डेज इन फैक्ट अभी काफ़ी सारे एल आर डी पजर्स मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ यहाँ पे ठीक है सो ऑल ऑफ यू गाइज हुर फॉलोइंगर ऑल द प्रैक्टिस प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड फॉर कॉन्सर्ट वीडियोज़ ठीक है मेरे अन अकेडमी पर फ्री क्लासेज वाले प्रैक्टिस सेशन जरूर करना ठीक है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस करते हैं एंड uh, उसका तुमको हमको लिंक हर एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके एंड यू कैन एक्चुअली गो थ्रू ऑल प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ओके एंड गिव लॉट ऑफ टेस्ट्स देखो बेसिकली बेसिकली दिस वीडियो इज अबाउट लॉट ऑफ पीपल आई हैव केप्ट आस्किंग मी एंड अभी भी ये काफ़ी लोग पूछते रहते हैं दैट कैन ई क्लियर कैट इफ आई एम वीक इन क्वांट्स दिस इज मोस्ट काइंड ऑफ अगर इसको ऐसे अवार्ड दिया जाए काइंड ऑफ मोस्ट आर्स क्वेश्चन का तो दिस क्वेश्चन वुड बी द विनर ओके अक्रॉस ऑल कैटेगरीज देखो बेसिकली क्या है ना माई सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस ठीक है यू कैन एक्चुअली ठीक है आई एम नॉट बिंग आई एम नॉट बिंग लाइक नॉट सेंग लाइन टू यू आई एम नॉट बिंग आई एम नॉट बिंग अनप्रैक्टिकलीयर ओके बट येस यू कैन क्लियर कैट इफर वीक इन क्वान्ट देखो क्वान्ट ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जस्ट हमारा क्या होता है ना जस्ट हमारा गिव अप एटीट्यूड है कि हम एक सब्जेक्ट को अच्छा नहीं कर सकते फाइव सिक्स मंथ्स में ठीक है हम गिवअप कर देते हैं नहीं हो पाएगा छोड़ो लाइफ तो चलिए रहे ना ओके दी द डे वी लीव दैट एटीट्यूड कि भाई मेरे को ना ठीक करना है तो इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है एक्चुअली मेरे को आता वही सब है ना यार परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एस आई सी आई टाइम एंड टाइम एंड वर्क सब पढ़ा हुआ एट नाइन्थ क्लास में वही तो आता है अकाउंट में ओके okay, आपने पे आ, कुछ चीज़ें नहीं होंगी पी एंड सी तो उससे हार्डली दो क्वेश्चन आते हैं अगर वो टेंथ तक नहीं था आपने नहीं पढ़ाया तो ओके okay, अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योमेट्री हो गया और हो गया ओके सो बेसिकली कैट इस काइंड ऑफ एग्जाम कि जहाँ पे आपका ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं जस्ट नीड टू टेक योर थिंकिंग टू अ डिफरेंट लेवल बहुत ज़रूरी है ठीक है सो so, उसके लिए अच्छे पहले पूरा बेसिक्स शुड बी क्लियर वेरी वेल ओके उसके बाद यू नीड टू तो प्रैक्टिस वेरी गुड क्वेश्चन ये बहुत जरूरी है सिर्फ बेसिक बेसिक करके 85 90 नाइन्टी परसेंट लाया जा सकता है यू कैन नॉट डूसो मोर देन दैट राइट बट वी आर एक्चुअली एमिंग फॉर नाइनटी नाइन प्लस हाँ तो उसके लिए हमें काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा एंड द थिंग इज दैट कि अभी पैनिक भी नहीं करना है ठीक है अभी बहुत आराम से पढ़ना है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कैन ए इज टॉपिक्स इन इनकॉन्ट ठीक है स्ट्रेट आंसर टू दिस इज नो नॉट एट ऑल ठीक है आप टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हो क्वांट में बिकॉज जो कैट एग्जाम है आपका ना वो आपका इजी मॉडरेट और टफ क्वेश्चन का मिक्सचर होता है ओके okay. तो एंड एंड कैन ट्रिकी ट्रिकी सो मॉडरेट टफ चार कैटेगरीज होते हैं कैट में थ्री टू फोर इजी क्वेश्चन फाइव टू सिक्स और सेवन मॉडरेट क्वेश्चन लाइक दैट ओके तो अराउंड ट्वेंटी टू क्वेश्चन के पेपर में रिलेट से अराउंड टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन होगा जो इजी मॉडरेट कैटेगरी का होगा तो ये इजी मॉडरेट कैटेगरी कहीं से भी हो सकती है फॉर एग्जांपल यू कैन स्किप और कॉम्बिनेशन अब वहां से एक ईजी प्लस थ्री मार्क आ गया तो क्या कोई 99% नाइन परसेंट इजी क्वेश्चन छोड़ जाएगा तीन नंबर का नहीं ना आप छोड़ दोगे तो रेस से पीछे हो जाओगे ना दैट्स वाई डोंट स्किप टॉपिक्स इन क्वांट ठीक है बिल्कुल पैनिक नहीं होना है और बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना है ठीक है सो so बेसिकली अब तुम मुझसे क्वेश्चन पूछोगे सर हाउ कैन यू फिनिश माई फुल सिलेबस ऑफ क्वांट इन लेस टाइम वी आर लेफ्ट वी आर लेफ्ट विथ ओके इन इतने कम टाइम में देखो आई विल से आप पढ़ने का इंपॉर्टेंस समझो ओके ये कैट 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 करके ना मान लो आपने कैट दिया मॉक में अच्छा नहीं आ रहा ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया ये कर लिया वो कर लिया अज्रा और थोड़ा सा थोड़ा कम डीपली पढ़ लिया ज्योमेट्री थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया ऐसे ऐसे करके ना वो हाफजाइड में ना प्रिपरेशन नहीं होता ओके फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग से आप एक बात निकाल दो कि कैट में आप ऊपर ऊपर पढ़ के यू कैन स्कोर नाइन्टी सेवन नाइनटी एट नाइन्टी नाइन परसेंट टाइम इज इट नॉट पॉसिबल ठीक है फ्रेंकली स्पीकिंग इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल ओके हमें बेसिक लेवल को क्लियर रख के बेसिक टू एडवांस स्टडी करना पड़ेगा बहुत डीपली करना पड़ेगा बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ठीक है और ये करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा राइट right? मतलब यू शुड नॉट बी अफेक्टेड के आसपास क्या चल रहा है लोग मॉक दे रहे हैं ये दे रहे हैं ठीक है भाई बहुत लोगों ने स्टार्ट लो किया था जब जनवरी में बहुत लोगों ने पिछले साल ने स्टार्ट किया था बट हमें रेडी कब होना है कैट अगर ट्वेंटी सेवन नवंबर को है हमें उसके एक वीक पहले रेडी रहना है हो जाएंगे रेडी ट्वेंटी एट नवंबर अभी भी फोर मंथ्स टाइम है राइट सो बट अ थिंग इज दैट कि अब समझो आपकी नवंबर के एंड में आपका कैट होगा कैट के वन वीक के बाद आई होगा उसी टाइम इस और पर भी होगा और फिर जैट हो जाएगा पांच आपके पास एग्जाम है जो कि आपका लाइफ चेंज कर सकते हैं राइट यू गॉट फाइव एग्जाम्स वीच कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ वो फाइव एग्जाम्स अब अब आपने तो कैट के कैट के चलते आप मॉक्स दे रहे हो अच्छे नहीं आ रहे हैं कुछ वे पढ़ लिया कुछ वो पढ़ लिया कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कर लिया कुछ स्किप कर दिया तो वो सब करके आप आपने एडजस्ट तो कर लिया कैट उससे वाला कैट तो खराब होगा ही आपका उसके बाद यू नेवर गेट टाइम टू कम बैक क्योंकि कैट के एक संडे बाद आई उसके दो संडे या एक संडे का स्नैप या एनमेंट दोगे फिर एक संडे दो संडे बाद जैट आ जाएगा तो एक एक हफ्ते में क्या पढ़ोगे कुछ नहीं पढ़ सकते हो दैट बेसिकली मीन्स दैट कि जो आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने टाइम में ठीक है ये टाइम में इस पर आपका ये पूरा साल डिपेंड करता है अंडरस्टैंड दिस पॉइंट आप जो अभी प्रिपेयर कर रहे हो इस पर पूरा साल डिपेंड करता है आपका कि आप अगले साल एम बी ए यू विल बी डूइंग फ्रॉम सम टॉप थर्टी कॉलेज और नॉट ठीक है ये डिपेंड करता है आप पे कि आप थर्ड टॉप थर्टी कॉल से करोगे नहीं करोगे आपको ये थ्री मंथ डिफाइन करेगा थ्री मंथ्स ओके सो अगर आप बहुत डीपली हर टॉपिक को पढ़ोगे हाँ इफ यू आर प्रिपेयर वेरी वेल टिल सेट्स फॉर एग्जांपल मैं सितंबर तक मान लेता हूँ जो तो लोगों बहुत लेट स्टार्ट किया था इवन बाई यू आर वेरी वेरी वेल प्रिपेयर ठीक है तो स्टिल देर आर डेज टू टूर इज लाइक अराउंड टू मंथ टू गो फॉर कैट है ना तो अभी पैनिक करके तो फायदा नहीं है तो अभी अभी तक आपने कुछ पढ़ाई किया होगा अगले टू टू एंड हाफ मंथ्स में सिलेबस पे बहुत अच्छे से कमांड करो और एरथमेटिक एंड ऑल्जेब्रा को बहुत डीपली पढ़ो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो ज्योमेट्री पे कमांड करो उसके बाद नंबर्स एंड पीएनसी पढ़ो है ना एंड देन इवन इफ यू टेक सेप्टेम्बर एंड भी मान लो इस चीज़ में राइट तो सेप्टेंबर एंड तक आपका क्वांट बहुत डीपली खत्म हो गया यूर फीलिंग गुड इन क्वांट काफ़ी नॉलेज गेन हो गया है तो उसके बाद आप टू मंथ्स पे मॉक्स देके और ज्यादा मॉक्स देके और ज्यादा प्रैक्टिस करके आप कैट दोगे फिर आप उसके बाद आई के लिए भी अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर्ड हो तो आप उसके एक वीक बाद आई टी में चाह करके आओगे हाँ और उसका जैड भी है उसके बाद एनमेड भी स्नेप भी है राइट सो ऑल दीज आर लाइफ चेंजिंग एग्जाम्स फॉर यू सो इट ऑल डिपेंड्स कि अभी आपने क्या पढ़ा है मैं बहुत सारे YouTube वीडियोस में देखता हूँ मैं बहुत सारे लोगों को बोलते सुनता हूँ कि चलिए सिलेबस खत्म कर लो अपना एक महीने में और फिर उसके बाद बैठ के मॉक्स भी प्रिपरेशन होगा ऐसे नहीं होता दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग इट्स अ क्राइम ठीक है लोग गलत गाइड कर रहे हैं ये क्राइम है बेसिकली आप ऊपर ऊपर कौन पढ़ के है? वो क्या लगता है कि आप जाके कैट मेंंड नाइन्टी नाइन ले आओगे ठीक है ऐसा नहीं होता यू हैव टू फाइट ना वो वो तो मार्क्स बोर्ड एग्जाम नहीं है ना कि इतने परसेंटेज आ गए वो फाइट करना है यू टू तो फाइट विद टॉप वन परसेंटाइलर तो उसके सोचना पड़ेगा ना उसके मेंटेलिटी से कि टॉप नाइन्टी नाइन जिसका नाइनटी नाइन प्लस आ रहे है वो लोग क्या कर रहे होंगे अभी वो कोई वो कोई को आसान सा क्वेश्चन छोड़ देंगे जो मेट्रिक का नहीं वो कोई आसान सा क्वेश्चन नंबर का छोड़ देंगे क्या नहीं ऑब्वियसली नहीं राइट दैट मीन सिलेबस बिल्कुल एग्जॉस्टिवली खत्म करना है वो लोग अभी अपना वो लोग इंस्टाग्राम पर रील्स वॉच कर रहे होंगे क्या नहीं ठीक है वो लोग फेसबुक रील्स वॉच कर रहे होंगे नहीं है ना सो यू हैव टू ऑलवेज थिंक फ्रॉम देय देर फ्रॉम देयर प्रोस्पेक्टिव कि वो लोग क्या कर रहे होंगे सो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड देर आर मेनी इन इन आवर क्लासेस जो अभी यूट्यूब पर देख रहे होंगे या जो मेरे क्लासेस में भी होंगे वो लोग बहुत लोग होंगे ऐसे तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम तो आप अपना ये पूरा साल खराब कर रहे हो इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम तो इसलिए अभी का थ्री मंथ्स बिना पैनिक हुए आराम आराम से जो हुआ पीछे भूल जाओ क्या क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा जस्ट रिलैक्स एंड टेक अ टाइम ऑफ नेक्स्ट टू एंड हाफ मंथ्स कि अभी जुलाई मिड से लेकर सितंबर एंड तक टू एंड हाफ मंथ्स में बहुत डीपली कौन पढ़ेंगे ठीक है एकदम जो टॉपिक्स काफी अच्छे से आते हैं एरेथमेटिक ऑल ज्योमेट्री इन पे बहुत ज्यादा कमांड करेंगे इट्स फाइन क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन कम आते हैं उस पर है ना बट पढ़ना सब कुछ बहुत अच्छे से है right? राइट उसके बाद सेप्टेंबर एंड तक इफर इफ यूर फिनिशी थिंग्स नो तो उसके बाद भी आपके पास टू मंथस है हा इन दोज टू मंथ्स यू कैन गिव लॉट्स ऑफ मॉक्स लॉट ऑफ प्रैक्ट क्वेश्चन यू कैन प्रैक्टिस राइट और आप उसके बाद कैट एंड साथ में बाकी सारे एग्जाम आई एफ टी एन मेट स्नैप सैट सब के लिए बहुत कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो बिकॉज देने फाइव एग्जाम्स हैं हम टॉप ट्वेंटी टॉप थर्टी का एम बी एम कर रहे हैं उसमें एक्सेल ड्राइव भी आता है उसमें आपका नारसी बाउंडी भी आता है उसमें आई एफ टी डेली भी आता है कोलकाता भी आता है ओके सो ऑल दीज एग्जाम्स एस आई बी एम पुणे भी आता है है ना सो ऑल दीज आर बेसिकली वर्थ इट राइट बहुत इन बहुत नॉर्मली इन इन कॉलेज का जो एवरेज पैकेजेस है वो ट्वेंटी लैख प्लस होता है ट्वेंटी लैख प्लस का बात नहीं बेसिकली दीज आर वेरी रिप्यूटेड कॉलेजेस एक बार एम करने के बाद यू यू गेट इन टू अ डिफरेंट लीग राइट तो अभी लॉट ऑफ पीपल आई कीप टॉकिंग टू माई पीपल हु आर इन आई एम और इन आई एम अहमदाबाद आई एम बंगलोर बहुत लोग हैं पिछले वो, साल वाले अभी से अगर तुम सोचोगे जस्ट गो वन ईयर इन रिवाइंड एक साल पहले जुलाई में सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे और इस साल जुलाई में कोई आई आयम कोजिकोट में है कोई आई एम अहमदाबाद में है कोई आई टी बॉम्बे में है कोई एम डी आई में है तो ये एक साल में पूरा लाइफ आपका यू टर्न हो गया ना काफी सब एवरेज स्टूडेंट्स थे तो यू टर्न ना किसी नेगेटिविटी से नहीं होता हो सकता आप बहुत नेगेटिव हो आप बहुत टेंशन ले रहे हो आप बहुत ऊपर ऊपर पढ़ाई कर रहे हो और आपका लाइफ बिल्कुल यू टर्न ले लेगा ऐसा नहीं होता ठीक है यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड व इज पॉजिटिव माइंड माइंड फ्रेम कि आप बहुत पॉजिटिव माइंड फ्रेम से इस इतने इस टाइम में बहुत हार्ड वर्क करो ठीक है कि आपका लाइफ बिल्कुल अभी एवरेज 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 चल रहा है टेन ट्वेल्व बी टेक सब एवरेज या ग्रेजुएशन सब एवरेज था अब आपको लाइफ में एक यू टर्न चाहिए सडनली यू वॉन्ट टू गो टू सम्वेंटी टॉप थर्टी एम बी कॉलेज जहाँ का एवरेज पैकेज ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव लैक एल पी ए होता है जहाँ के जहाँ का एल्यूमिनियम बहुत अच्छा है जहाँ जो कि काफी रिप्यूटेड एम बी कॉलेजेस है राइट सो टू गेट दट यू टर्न यू नीड टू वर्क रियली हार्ड एंड हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन ठीक है तो सोचो जस्ट एकदम गेट डेट गेट डेट मोटिवेशन राइट एक घुसबम्ब right? होता है अंदर से ओके okay, कि यार अभी बिल्कुल फाइट कर रहे हैं सच एन एवरेज स्टूडेंट टेट वा मोस्ट ऑफ दरी एवरेज स्टूडेंट टिल डेट राइट अगले साल जुलाई में विल आई कैन बी इन आई एम बैंगलोर और आई एम अहमदाबाद और एम डी आई और आई आई टी बॉम्बे और एम डी आई और एक्सेल राइट कोई भी मतलब टॉप लेवल के किसी कॉलेज में पहुँच जाओगे यार राइट right? तो ये समझ ये चीज जो बेसिकली है ना ये एक आपका मोटिवेशन होगा हार्ड वर्क करने का अभी जब भी आप निगेटिव होगे तो आपको ये पॉजिटिव होना पड़ेगा आपके पास अभी बहुत सारा काम करने को है लॉट ऑफ मॉक्स आपको देने हैं मॉक्स में कम स्कोर आएगा आप uh, आपके पास बहुत सारा बैकलॉग खत्म करने को है आपके पास बहुत सारा फैमिली uh, प्रेशर भी है बहुत लोगों का एंड बेसिकली अब इन मिडिल ऑफ ऑल दिस आर लूजिंग योर स्पार्क है ना तो हम सब के अंदर की स्पार्क होता है राइट right? वी आर लूजिंग एक्चुअली ओके सब प्रेशर से दबते रहे दबते रहे नहीं जस्ट गेट कि भाई आपके जो स्पार्क था गेट दैट स्पार्क आउट वर्क हार्ड ये सब निगेटिविटी को हटा दो कभी ना कभी देखो पहले एक चीज आप माइंड में उठा लो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना ठीक है इफ यू वर्क वेरी हार्ड तो आप पांचों एग्जाम में फेल नहीं हो सकते कैट जैट स्नैप आई एफ टी एंड good exams फाइव गुड एग्जाम्स आर देयर आप पांचों में खराब नहीं कर सकते इफ यू हैव डन रॉन्ग इन ऑल फाइव दैट मीन्स यही प्रॉब्लम होगा कि अगर तुम अगर आप एनालाइज करोगे लेट से इन फ़रवरी अगले बार कि मेरे पांचों एग्जाम क्यों खराब हो गए तो फिर दिमाग में यही आएगा कि यही आएगा पीरियड कि जुलाई अगस्त सितंबर में अगर अच्छे से पढ़ लिए होते हाँ तो फिर मेरा पांचों एग्जाम खराब नहीं होता सबको ये बोलता है क्योंकि अक्टूबर नवंबर में कैट है तो अक्टूबर में ऐसे ही बहुत ज़्यादा लोग पढ़ नहीं पाते हैं ठीक है वो मोर ज्यादा फोकस मॉक्स पे रहता है स्ट्रेटजी पे रहता है प्रैक्टिस पे रहता है ठीक है तो पढ़ने का यही पीरियड है जुलाई अगस्त सितंबर जब भी आप फ्यूचर में रियलाइज़ करोगे फेबर या मार्च में कि यार मैं इतना सब कुछ खराब क्यों हो गया तो दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि जुलाई अगस्त सेप्टेंबर के टाइम बहुत पढ़ाई कर लिए होते तो ये प्रॉब्लम नहीं होता राइट right. वहां पे ऊपर ऊपर निकल गए सिलेबस को अच्छे से खत्म नहीं किया तो ये सब चीजें बाद में भी याद आएंगी ओके okay. तो यही गलतियां आपको नहीं करनी मेक श्योर दैट अभी जुलाई चल रहा है ये जुलाई अगस्त और सितंबर बहुत अच्छे से पढ़ो गेट दैट डीप नॉलेज इनसाइड यू ऑफ ऑल द टॉपिक सच दैट आप नवम्बर ऑनवर्ड्स यू कैन अटेम्प्ट ऑल द एग्जाम्स विथ फुल कॉन्फिडेंस ठीक है तो ये हमारा बेसिकली एम होगा ओके okay. so basically I'll give you four I'll tell you uh, tell you four, four very important things actually I'll tell you okay ओके so, तो चार basically, point इंपॉर्टेंट चीजें क्या है increase your content knowledge सबसे first बहुत important है डोंट बी अफ्रेड ऑफ प्रैक्टिसिंग न्यू क्वेश्चन बहुत लोग देखते हैं आप नए क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते सर नहीं हो रहा है नहीं हो रहा तो क्या करें नहीं हो रहा है अरे यही तो करना है ठीक है करो होगा करना पड़ेगा तुम्हें यू हैव टू डू इट नहीं हो रहा है फिर करेंगे सोलेशन देखेंगे फिर करेंगे बट, करेंगे, बट करते रहेंगे ओके okay? कीप रिवाइजिंग क्वान का सिलेबस बहुत वास्ट है सिलेबस उसको रिवाइज बहुत करना पड़ेगा अपने नोट्स को आपके मॉक के क्वेश्चन को ठीक है यू रिवाइज अलॉट एंड लास्टली स्टार्ट अटेम्प्ट मॉक्स ये सही समय मॉक्स को स्टार्ट करने का आपने पढ़ा कम ही है डेट्स फाइन आपने मान लो एफ एटी के पढ़ाया अभी ठीक है आपने और जबरा ही पढ़ा है बट ना मॉक्स दो ठीक है मॉक्स से ना हमारा मॉक्स का देखो दो पर्पज होता है एक तो कि आपका पर्सन डल कितना आ रहा है वो तो आप जज करोगे बाद की बात है ठीक है अभी क्या है ना स्टार्टिंग में जो हम पढ़ रहे हैं उसका रियल टाइम एप्लीकेशन हां मतलब टाइमर वहां पे चल रहा है बॉक में और आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे राइट जब मॉक दोगे तो दो घंटा कंसंट्रेशन कंसंट्रेट करना पड़ेगा वो भी एक हैबिट होता है बहुत लोगों को मॉक्स के बीच में हिडेक होने लगता है कॉन्सन्ट्रेशन लूज होता है ना तो अगर आप मॉक दोगे तो दो घंटा वेस्ट नहीं जाएगा वर्बल है आप दो तीन आरसी सी वहाँ सॉल्व करो जितने आपको आता है वहाँ पे सॉल्व करो एल में दो सेट एल आर के ट्राई करो सॉल्व करने का दो पजल क्वांट में जो पढ़ा है वो अटैम्प्ट करो ठीक है तो आप दो घंटे निकल जाएंगे बट जो स्टार्टिंग के पाँच छः मार्क्स है ये आप ना बेसिकली अपने टाइमर से यूज टू हो जाओगे टाइमर देखे बहुत इंसान मैनिंग करता है स्टार्टिंग में और टाइमर में कभी कभी बॉडी फ्रीज कर जाता है माइंड फ्रीज कर जाता है काम नहीं करता दिमाग कैसे आगे बढ़े और ये चीज़ें कैट में ना हो और जब रियल मॉक्स में ना हो बेसिकली जब आप अगस्त के एंड में या सितंबर से जब आप रियल मॉक दोगे जब सिलेबस का आपका ऑन दी वर्ज ऑफ फिनिशिंग रहेगा और फिर आप अच्छे से मॉक्स दोगे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि भाई स्ट्रैटेजी क्या है सॉल्व करने की कैसे पेपर को अटैम्प्ट करें टाइमर देख के पैनिक कर रहे हैं ये सब पहले ही आपका जुलाई और अगस्त वाले मॉक में क्लियर हो गया होगा ठीक है सो स्टार्ट अटेम्प्ट मॉक जुलाई में कम से कम तीन से चार मॉक देने हैं आपको और अगस्त में कम से कम सिक्स मॉक देने हैं ठीक है तो गिव टेन मॉक्स बाय अगस्त हाँ तो एंड आप पैरेलल पढ़ाई करते रहो ओके सो स्टडी पैरली सो डोंट पैनिक ओके सो ऑलवेज रिमेंबर गाइस वी आर फाइटिंग एंड वॉर हमें अपने पूरा लाइफ को एक यू टर्न देना है और आज तक हिस्ट्री में कोई भी वॉर किसी किंग या क्वीन ने पैनिक होकर नहीं जीता है ठीक है तो आप भी पैनिक होकर नहीं जी सकते सो डोंट टेक अननेसेसरी टेंशन स्टडी विल ऑल द बेस्ट ठीक है विल कीप मीटिंग थैंक यू